हेलो दोस्तों, सुनीता के ख्याली पुलाव किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे कोकोनट फ्राइड कुकीज़। इस कुकीज़ को बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे झटपट से कभी भी बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे इसे कैसे बनाते हैं। कोकोनट फ्राइड कुकीज़ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे और इसमें 2 कप मैदा डालेंगे। आप आधा मैदा और आधा गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम 2 टेबलस्पून रिफाइंड तेल डाल देंगे। पूरा भर के मैंने नहीं डाला है तेल। और साथ ही इसमें आधा टीस्पून के आसपास मैंने इलायची को क्रश करके डाला है। आधा कप हम चीनी डाल देंगे और साथ ही हम लेंगे 1 कप ड्राई कोकोनट, जिसे मैंने ग्रेट करके लिया है। आप डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखिए ऐसे क्रम्बल करते हुए। आप चाहे तो यहाँ पे 1-2 पिंच नमक भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि जो ऑयल है नारियल में वो भी निकल जाएगा। तो इसमें ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप तो ध्यान से ही डालिएगा ना, तो फटने लगेंगे बाद में कुकीज़ को हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ये मिक्सचर थोड़ा सा बनने लगा है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा गुनगुना दूध लिया है, आधा कप। आधा कप हम इसमें दूध डालेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और बहुत अच्छे से ऐसे मिक्स करते हुए डालते जाएंगे दूध को। आप इस कुकीज़ को फेस्टिवल में ट्राई करें, बच्चों की छोटी भूख में भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर चाय के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए, मैंने सारा दूध डाल दिया है, पूरा आधा कप। और ये देखिए ये बन रहा है, लेकिन अभी इसमें बिस्किट नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे ढक के 10 मिनट छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि ये थोड़ा सा जो चीनी है वो पिघल गई है। मैंने बीच में और एक बार मिक्स कर दिया था, इसे ऊपर नीचे कर दिया था। मेरे पास यहाँ पे मोटे दाने वाली चीनी थी, तो ये मेल्ट नहीं हुई है। मैंने काफ़ी हद तक मेल्ट हुई है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। आपने बारीक वाली सूजी ली है तो ये मेल्ट हो जाएगी, या आप शुगर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इसमें दाने पसंद नहीं हैं तो चीनी के। अब हम क्या करेंगे, ये जो डो है उसका एक पोर्शन लेंगे बॉल साइज़ का, और इसे इस तरीके से बोर्ड में रख के चपटा करेंगे। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं करना है ना, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, मीडियम थिकनेस की रखना है। जैसे बिस्किट वगैरह रहता है ना, वैसे ही रखना है। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ढक्कन है इस तरीके का, आप कुकी कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, और इसे अच्छे से कट कर लेंगे। अगर आपके पास स्टील के छोटे ग्लास हैं तो उससे भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें धार रहती है साइड्स में, तो एकदम अच्छे से कट जाएगा। ये देखिए हम जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा देंगे और हाथों से ऐसे, नारियल है ना तो ऐसे इवन कर लेंगे। ये देखिए बच्चे अक्सर घर में छोटी छोटी भूख में कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो आप इस तरीके से आप उसको बिस्किट बना के दीजिए। घर पे बना है तो आपको पता है कि आपने इसमें क्या डाला है, और ये हेल्दी भी है। आप मैदा की जगह गेहूँ का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फोक की मदद से मैंने इसमें इस तरीके से लाइन खींच दिया है, तो इसमें डिज़ाइन हो गया। आप अपने मनपसंद कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। ये देखिए रेडी है। उसी तरीके से हम दूसरे बिस्किट को भी बना के रेडी कर लेंगे। तो पहले अच्छे से फ्लैट कर लेंगे, आप हाथों से भी कर सकते हैं, आप बेलना भी ले सकते हैं। थोड़ा टाइट ही रहना चाहिए डो, इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। आपको लगे कि एकदम नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा सा दूध स्प्रिंकल कर सकते हैं। दूसरे वाले कुकीज़ को भी हम इसी तरीके से शेप दे देंगे, और ये थोड़ा सा थीक है तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा थीक भी रख सकते हैं, फ्राई होने में थोड़ा सा बस टाइम लगेगा। इसमें भी हम इसी तरीके से लाइन खींच देंगे, आप अपने पसंद से कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। ये कुकीज़ बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। बस इनको जो भी है फ्राई करने में टाइम लगता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे 2 कुकीज़ रेडी है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बाकी के सारे कुकीज़ को भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे कुकीज़ रेडी है, तो हम चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो हम देखेंगे कि ऑयल कितना गर्म हुआ है। तो एक पोर्शन डाल के देखेंगे डो का, तो धीरे धीरे बबल्स आ रहे हैं। ऑयल हमें गर्म चाहिए, मतलब इतना भी गर्म नहीं कि कुकीज़ डालते हुए जल जाए। ऑयल को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें कुकीज़ डालेंगे, जितना एक बार में आ जाएंगे। अभी फ्लेम को मैंने हाई रखा है, पहले 1 मिनट हम हाई फ्लेम रखेंगे, उसके बाद फ्लेम को हम लो में सेट कर देंगे। धीरे धीरे हमें इनको फ्राई करना है, क्योंकि ये थोड़े से थिक है,
थोड़ी देर बाद हम इसे पलट लेंगे हल्के हाथों से, ये देखिए इस तरीके से, और धीरे धीरे हम इसे पलटते हुए फ्राई करेंगे हल्के हल्के हाथों से। जितना आप इसे धीरे धीरे फ्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा ये खस्ता बन के तैयार होंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये कुकीज़। और ये देखिए यहाँ पे हमारे कुकीज़ रेडी है। तो हम क्या करेंगे, छलना को साइड में करके इसको निकालेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा नीचे से। इसे फ्राई करने में ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे छोटी कढ़ाई और कम ऑयल लिया था, तो मुझे इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगा। 3 बैचेस में मैंने इनको फ्राई करके रेडी किया है। आपकी बड़ी कढ़ाई है तो एक ही बार में आप फ्राई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में बिस्किट को सजा दिया है और ये बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं, इसमें डिज़ाइन भी बहुत अच्छा आया है। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि आपने एक बार खाया तो इसे बार बार बनाएंगे। तो आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, टेक अ गुड केयर।